नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो गोल्ड बुलियन के सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग फॉरेन से इंपोर्ट करा सकते हैं या कैसे इंपोर्ट होता है उस प्रोसेस के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का भी क्वेश्चन आ रहा था कि सर भूटान से या म्यांमार से या मान लीजिए आपका बैंकॉक से अगर यहाँ से गोल्ड मंगाते हैं तो इंडियन प्राइस में और वहाँ के प्राइस में करीब 3 लाख रुपए का डिफरेंस है, तो क्या डायरेक्ट वो यहाँ मंगा के 3 लाख रुपए कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते हैं। ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन और फॉर्मेलिटीज़ आ रहा था हम लोग के पास, तो हम लोग एक एक करके कोशिश करेंगे बहुत सारे वीडियोज़ में इसको डिस्कस करने का, क्योंकि हम लोग जो हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, किसी भी लालच वाली चीज़ में हम लोग नहीं रहते हैं कि आप 3 लाख कमाइए, 4 लाख कमाइए, 5 लाख कमाइए, ये हमारा मुद्दा नहीं है। क्योंकि अगर आपको चीज़ें पता रहेंगी, आप प्रोसेस में काम कीजिएगा, थोड़ा टिकिएगा मार्केट में, तो पैसा आप अपने आप कमाइएगा। अगर आप ये देख के जाते हैं कि 1 घंटे में आप 10 हज़ार कमाइए या 1 महीने में 3 लाख कमाइए या पर कंसाइनमेंट आप 5 लाख कमाइए, तो कहीं ना कहीं आपको झटका लगेगा ही लगेगा, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आप वीडियोज़ में देखते हैं। क्योंकि अगर इतना आसान होता तो पहले से जो कंपनियां कर रही हैं, कोई भी गोल्ड कंपनी या बुलियन की कंपनी कभी लॉस में नहीं जाती, हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहती और उनका काम बहुत अच्छा चलता, मगर ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं मार्केट पे डिपेंड करती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, और मंगाना एक दूसरा सब्जेक्ट है। आइए बात करते हैं कि किस तरीके से मंगाने में क्या प्रोसेस है या क्या सिस्टम है। आप जब भी किसी कंट्री से अगर आप इंडिविजुअल गोल्ड मंगाना चाहते हैं या अपनी कंपनी के लिए गोल्ड मंगाना चाहते हैं, तो सबसे पहला बात है कि आप इंडिविजुअल गोल्ड नहीं मंगा सकते। आप जो है भूटान से, नेपाल से, कहीं से भी, जहाँ से मर्जी किया, अपना आईसी कोड है तो आपने मंगा लिया गोल्ड, पेमेंट दे के, एलसी दे के, जो भी है, तो वो नहीं होता है। इसके लिए आरबीआई का स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन है, गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन है, उसको फॉलो करना पड़ता है। कम से कम मान लीजिए 17 से 18 ऐसी कंपनियां हैं भारत में जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने अप्रूवल दिया हुआ है, वही सिर्फ बुलियन मंगा सकते हैं। तो उनको क्या होता है, कुछ टैक्स बेनिफिट होता है, कुछ छूट होता है जिनका फ़ायदा उनको मिलता है, और उसमें से कुछ फ़ायदा वो अपने क्लाइंट को देते हैं। जो भी बड़ा कंसाइनमेंट मंगाते हैं, जैसे कोई 500 टन मंगाया, कोई 1,000 टन मंगाया, कोई 100 किलो मंगाया, तो बहुत कम है 100 किलो, इसमें गेम नहीं होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में, मगर लोगों को लगता है 1 केजी वाले भी अपने आप को बुलियन समझते हैं। ऐसे धोखा में मत रहिए, आप 1 केजी खरीदिए, व्यापार कीजिए लोकल में, ठीक है, मगर आप बुलियन बनना चाहते हैं तो कम से कम आपके पास नहीं भी तो 20-30 करोड़ तो होना ही चाहिए, तभी छोटा मोटा काम आप इसमें स्मार्ट कर सकते हैं। आप गरीब हैं समझिए इस मार्केट में, अगर आप 10 लाख या मान लीजिए आप 1 करोड़ से धंधा कर रहे हैं तो आपको कोई वैल्यू नहीं है। आप छोटे मतलब थर्ड लेवल के बुलियन का काम करिएगा, अगर वो काम कीजिए तो आपके लिए ठीक है, धीरे धीरे आप करके कमाइएगा, मगर ये सपना मत देखिए कि 2 लाख 5 लाख आप कमा लीजिएगा हर महीने में, वो नहीं हो सकता। वो क्योंकि ये जो खेल है बुलियन का, गोल्ड का, ये अमाउंट का खेल है। जो बड़ा इन्वेस्ट करेगा वो उसी तरीके से पैसा कमाएगा, जो छोटा इन्वेस्ट करेगा तो छोटा ही कमाएगा। छोटा इन्वेस्टमेंट करके बड़ा मुनाफा इसमें नहीं किया जा सकता। हो सके मेरी बातें थोड़ी आपको चुभे, मगर जो सही बात है वही मैं बता रहा हूँ, इधर उधर की बातें हम लोग नहीं करते हैं। तो जैसे हमने बताया कि 17-18 कंपनी हैं, उनको गवर्नमेंट ने टैक्स बेनिफिट दिया हुआ है, तो वो गोल्ड इंपोर्ट करते हैं क्लाइंट के बेस पे। जैसे मान लीजिए आपको मंगाना है तो आप उनको ऑर्डर दीजिएगा, उनको पेमेंट दीजिएगा, वो बाहर से बुलियन मंगा के आपको देंगे। फॉरेन में गवर्नमेंट का टाई अप है पहले से ही माइंस के साथ या कंपनियों के साथ, जहाँ से ये डील एग्रीमेंट वगैरह होता है। ये नहीं कि आप जहाँ से मर्जी किया आप मंगा लीजिए और भेज दीजिए। बहुत सारे केसों में हमने देखा अफ्रीका से आ रहा है, सेनेगल से आ रहा है, कैमरून से आ रहा है, जैसे लग रहा है कि वो मिठाई बट रहा है उस तरीके से आ रहा है। ये सब चक्कर में रहिएगा तो आपका जो 2-5 लाख आपके पास जेब में है वो भी चला जाएगा, आएगा जाएगा कुछ नहीं। क्योंकि अगर आपके पास 100 किलो, 150 किलो, मिनिमम 50 किलो अगर मंगाने का कैपेसिटी नहीं है, तो आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के धंधे में ना जाइए। आप लोकल में किसी से खरीदिए, लोकल में कहीं से टाई अप कीजिए, जहाँ पर थोड़ा बहुत आपको अगर 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये भी मिल जाता है, 10 रुपये ग्राम पे मिल जाए या 5,000 मान लीजिए आपको किलो पे मिल जाए, तो आपके लिए बहुत है काम करने के लिए। इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते इस मार्केट में, क्योंकि यही बहुत है। क्योंकि ये ज्वेलरी नहीं है, ज्वेलरी क्या है बिकने में टाइम लेता है, बुलियन क्या है बिकने में टाइम नहीं लेगा, आपका रोज़ का ट्रांजेक्शन हो ही जाएगा अगर आप ठीक ठाक मार्केट में हैं और सही आपका रिलेशन है और सही तरीके से आप काम कर रहे हैं, तो बुलियन बिकने में टाइम नहीं लगता है। इसलिए
इम्पोर्ट के लिए आप अपना कंपनी बनाइए, और कंपनी बना के गवर्नमेंट के साथ टाई अप कीजिए, जो 17-18 कंपनियां हैं उनके साथ कांटेक्ट कीजिए, उनके साथ मीटिंग कीजिए, अपना फंड जुगाड़ कीजिए और उनके थ्रू मंगाइए। तो जो दिख रहा है 3 लाख 5 लाख वो नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50,000 1 लाख के बीच में बेनिफिट हो सकता है 1 kg पे। तो अगर उस तरीके से आप काम कीजिए तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। और अगर इसमें आपको हमारी कंसल्टेंसी की ज़रूरत है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा जो कंसल्टेंसी है वो पेड है, 1500 रुपये 30 मिनट का हम लोग चार्ज करते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ही आइएगा, अगर कंफर्टेबल नहीं है कि नहीं हम फ्री में जानकारी, तो ये यूट्यूब पे हमने दे दिया आपके लिए, फ्री वाले हमारे पास ना है। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।